महफिल में चल रही थी संविधान के कत्ल की तैयारी कि महफिल में चल रही थी संविधान के कत्ल की तैयारी, सवाल पूछने पर बोले 25 साल की सत्ता है हमारी। साथियों क्रांतिकारी, जय भीम जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। ये जो 25 साल की सत्ता होने का दावा कर रहे हैं, जो जनता से 25 साल और मांग रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट रूप से घोषित हो चुका है और ये अघोषित आपातकाल है। आपातकाल ऐसी स्थिति में लागू किया जाता है जब संविधान खतरे में हो, जब देश की आंतरिक व्यवस्था खतरे में हो, तब आपातकाल इमरजेंसी लागू की जाती है। और आज देश में अघोषित आपातकाल है। ये मिशन नया संविधान है, ये मिशन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है। और मिशन नया संविधान, मिशन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है वो आरएसएस ने बनाया है, जिसके प्रमुख मोहन भागवत ने जो जिम्मेदारी दी है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो जिम्मेदारी दी है भारत देश की और भारत देश का संविधान बदलने की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी दी है। अब 2024 दूर नहीं है और 2024 में सत्ता दोबारा से हथिया ली जाएगी, सत्ता पर कब्जा कर लिया जाएगा। और मैं गला फाड़ फाड़ कर आपके सामने चिल्ला चिल्ला कर आपको झंझोड़ने की कोशिश करता हूं कि जाग जाओ देशवासियों, जाग जाओ देश की महिलाओं, जाग जाओ देश के पढ़े लिखे नौजवानों, जाग जाओ देश के शिक्षित युवा वर्ग, जाग जाओ देश के बहुजनों, जाग जाओ एससी एसटी ओबीसी आदिवासी, जाग जाओ देश की माइनॉरिटी, जाग जाओ देश के सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, जाग जाओ। अगर आपके हाथ में भारत देश का संविधान नहीं है तो मतलब आप समझ लीजिए कि आप इस देश में जो रह रहे हैं, आप इस देश के सभ्य नागरिक हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सारे अधिकारों को समाप्त करने की तरफ कदम बढ़ाया जा चुका है और देश की नई संसद आपके सिर के ऊपर थोपी जा चुकी है। अब 2024 के बाद नया संविधान आपके सिर के ऊपर थोप दिया जाएगा, सभी अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। आप अभी भी वक्त है, संभल जाइए, जाग जाइए। ये मिशन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मिशन नया संविधान है बीजेपी का, जो अब शुरू हो चुका है। और इसका एक ही इलाज है। आप कहेंगे भैया जी इलाज बताओ, आप कहेंगे भैया जी बचाव बताओ, बचाव मैं बता रहा हूं, इसका एक ही बचाव है, आप मिशन डॉक्टर अंबेडकर को अपना लो, इसका एक ही बचाव है, आप मिशन बाबा साहब को अपना लो, आप मिशन बाबा साहब, मिशन डॉक्टर अंबेडकर की तरफ कूच करो और आप इस मिशन के साथ में जुड़ करके देश को, संविधान को, देश के संविधान को बचाने का काम करो। देश का संविधान आपको बचाना होगा और ये अघोषित आपातकाल, अघोषित इमरजेंसी जो देश में लागू हो चुकी है, इस अघोषित इमरजेंसी का आपको डटकर सामना करना होगा। आप अपने मौलिक अधिकारों को बचाना चाहते हो, आप देश के संविधान को बचाना चाहते हो, आप भारत की संसद में जो काम किया जाए वो जनहित के तहत किया जाए, वो लोकतंत्रात्मक तरीके से किया जाए, अगर आप करना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पर जो इस वीडियो के शुरू में आपको दिया है 9953532986 नंबर दिया हुआ है, आप इस पर मिस कॉल दो, 9953532986 पर मिस कॉल दो, भारत के संविधान को बचाओ। आप बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा देश के संसद भवन में लगवाओ, तब जाकर के संविधान बचेगा। यदि ये संविधान खत्म हो गया तो आपके बच्चों का भविष्य भी चौपट हो जाएगा। इस लड़ाई में अब आपके एकजुट होकर के मैदान में आने की जरूरत है। अब आप एकजुट होकर के हमारा साथ निभाओ भाई, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान को बचाने की, इस लड़ाई में आप अपना साथ दो, अपना सहयोग दो। आप मिशन डॉक्टर अंबेडकर, मिशन बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए आप भीम सेना के इस कदम को, भीम सेना के इस कदम के साथ कदम
कदम मिलाकर चलो, भीम सेना के साथ आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, और 9953532986 पर मिस कॉल देकर आप अपना फर्ज अदा करो, इस मुहिम में अपनी हिस्सेदारी अदा करो, इस मुहिम में आप अपना वोट जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान को बचाने का है, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा भारत के नए संसद भवन में लगाने की जो मुहिम है, आप इसकी तरफ कदम बढ़ाओ। आप देखिए 2024 दूर नहीं है, और फिर भारत का संविधान भी बदला जाएगा। अभी से ही एकजुट होना शुरू कर दो। मैं बार बार गला फाड़ फाड़ कर आपको ये चेतावनी देता हूं, आपको ये बात बताता हूं। 9953532986 पर मिस कॉल दो। अगली वीडियो में जल्दी मिलता हूं आपसे। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।